आगरा ताज नगरी में पुलिस ने एक अनोखा सुपारी गैंग को धर दबोचने में सफलता हासिल की। ये गैंग शहर के बड़े व्यापारी को टारगेट करके सातिराना अंदाज में घटनाओं को अंजाम देकर अंडरग्राउंड हो जाती है। ये गैंग बड़े ही पेशेवर तरीके से बकायदा सुपारी लेकर किराया में हत्या करने का काम करते थे। अन्य कुख्यात अपराधियों से साठ गांठ करके वारदात को अंजाम देते थे। इस गैंग को जाल बिछाकर सिकंदरा थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचने में कामयाब रही। ये गिरोह सुपारी लेकर भाड़े पर हत्या करने का काम करता था। पुलिस ने सातिर शार्प शूटर को रिवॉल्वर एवं कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि ये गैंग आगरा में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनको एक जिम ट्रेनर की हत्या की सुपारी मिली थी। जिम ट्रेनर के प्रेम संबंध डॉक्टर अनुभव गुप्ता की पत्नी से होने के चलते डॉक्टर अनुभव ने हत्या करने की सुपारी दी थी। पुलिस ने इस गैंग को वारदात को अंजाम देने से पहले ही जाल बिछाकर गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने घटना को अंजाम देने में सहयोग करने वाले तीन साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं इस गैंग को गिरफ्तार करने के बाद आगरा एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने क्या कहा। इस जनपद आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में चार लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक शार्प शूटर है जो भाड़े पर हत्या करने के लिए आया था। उससे 5 लाख रुपए की बात हुई थी हत्या करने के लिए। चारों को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है और एक हत्या होने से बचा ली गई है, एक मर्डर होने से बचा लिया गया है। इसमें चार लोग जो अरेस्ट किए हैं, शार्प शूटर का नाम सतवीर है, उसका एक ड्राइवर है, एक अन्य रजत है जो डॉक्टर अनुभव और इसके बीच का कड़ी है। अनुभव को भी अरेस्ट किया गया है। ऐसा अनुभव को ऐसा शक था कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग किसी जिम ट्रेनर से है, उसी वजह से 6 महीने से पिछले उसको समझाया गया जिम ट्रेनर को, उसका ये कहना है डॉक्टर अनुभव का, बताया गया, उसके परिवार से बात की गई, बार बार बावजूद बात करने के वो नहीं मान रहा था और ऐसी घटना कंटिन्यूस कारित करता जा रहा था, जिससे डॉक्टर ने यह प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसी को लेकर के 5 लाख रुपये में यह बात तय हुई कि शूटर को बुलाया जाए। 2 शूटर यहाँ आए लगभग 6 या 7 दिन पहले, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास, एक चाय के कैफ़े में बैठकर बात करी, उसी की गाड़ी में घूम करके जिसकी हत्या की जानी थी उसका घर दिखाया गया, घर के अलावा उसका रास्ता दिखाया गया, फ़ोटो दिखाए गए और फाइनल प्लानिंग करने के बाद कल ये फिर जनपद में आए और कंटिन्यूस प्लानिंग करने के बाद हत्या करने वाले थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर और अन्य स्रोतों से सूचना मिली और इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया और एक जनपद में एक हत्या होने से बचा ली गई है। और इसके लिए जनपद आगरा की, न्यू आगरा की टीम और क्राइम ब्रांच बधाई की पात्र है। शूटर पायलट का एटा से, एटा या फिरोजाबाद से, फिरोजाबाद करने वाले। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।